Hello students, welcome to Evan Education Academy online classes का था और इसके पहले आपको इस बुक में वर्दी मिला था उसके साथ साथ वर्दी के साथ साथ आपको कुछ उसमें लगने वर्दी भी दिया गया था तो हो सकता है कि उस वर्क को आपने कंप्लीट कर लिया होगा तो आइए फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को और आगे बढ़ाते हैं उसके साथ साथ कुछ वर्क ऐसा है जो आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास वर्क जाएगा तो कुछ वर्क को आपको देखना है और समझना है तो सबसे पहले क्लास इंग्लिश होगा सब्जेक्ट इंग्लिश होगा और बुक का नाम है स्मॉल एंड कैपिटल लेटर पेज नंबर 16 और 17 पेज नंबर 16 और 17 तो आज पेज नंबर 16 में और 17 में कुछ टॉपिक है जिनको आपको देखना है और समझना है तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है मैच द पिक्चर देयर करेक्ट फर्स्ट लेटर ओके इसमें लिखा मैच द पिक्चर मतलब पिक्चर को देखना है और उसमें जो फर्स्ट लेटर है जैसे डी फॉर डॉग तो डी फॉर डॉग ये लिखा है जैसे ए फॉर एप्पल है ये पिक्चर बनानी मैंने ओके अब ये लिखा है ए टी पी एल तो इसका जो फर्स्ट लेटर लिखा गया है फर्स्ट लेटर का मतलब होता है पहला अक्षर ओके तो फर्स्ट लेटर का मतलब होता है पहला अक्षर इसमें लिख दिया तो आपको फुल फॉर्म में लिखा होगा पूरी मीनिंग नहीं लिखी होगी इसमें केवल पहला अक्षर लिखा होगा अल्फाबेट का तो इस पहले अक्षर को आपको देखना है पहले तो आपको पिक्चर की पहचान करना है इसमें आपको ये देखना है कि पिक्चर क्या बनी है सबसे पहले बना हुआ ए वो एप्पल ए वो एप्पल एप्पल आपको इस लाइन में देखना होगा कि ए वो एप्पल कहाँ बना हुआ है ये वो एप्पल बना हुआ है और इस एप्पल को ए वो एप्पल ए वो एप्पल लिखा कहाँ तो सबसे पहले आपको देखना होगा डी फॉर डॉग डी फॉर बॉल एफ फॉर फिश ए वो एप्पल तो आपको इस ए वो एप्पल में मैच कर देना ओके अब ये डी फॉर डॉग इस लाइन में आपको डी फॉर डॉग भी देना देखना है जहाँ पर डी फॉर डॉग हो उसमें करेक्ट मैच कर देना है एफ फॉर फिश इसमें आपको देखना है एफ फॉर फिश कहाँ है यहाँ से यहाँ तक इसमें मैच कर देना है इसके बाद आइएगा ई फॉर एलिफेंट ई फॉर एलिफेंट ई फॉर एलिफेंट आपको ये लिखा हुआ है इसमें इसको मैच कर देना सी फॉर कार सी फॉर ये कार बनी हुई है और ये जी को लिखा हुआ है तो इसमें कार को आप मैच कर देना ओके ये सारे आपके हो अब आपको ये करना है सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है ये तो बी फॉर बटरफ्लाई होती है या तो बी फॉर बी बी फॉर बी जो मक्खी होती है ना बी डबल्यू इसका फर्स्ट लेटर लिखा हुआ बी आप बी में मैच कर देना ये सब अपने आ गया ना आपको इसमें लिखा मैच का पिक्चर विद देयर करेक्ट फर्स्ट लेटर पिक्चर में मैच करना है देयर करेक्ट फर्स्ट लेटर मतलब जो मीनिंग का फर्स्ट लेटर मतलब जो पहला अक्षर लिखा है उसमें आपको मैच करना है ओके ए फॉर एप्पल बी फॉर डॉग एफ फॉर फिश डी फॉर बीन सी फॉर कार फॉर ये आपको होगा अब आइएगा इसमें इसमें लिखा है सर्कुल द करेक्ट फर्स्ट लेटर सर्कुल द करेक्ट फर्स्ट लेटर और द पिक्चर गेम दो ठीक है ना आपको क्या करना है ये पिक्चर बनी हुई है और ये थ्री अल्फाबेट वर्ड लिखे हुए थ्री अल्फाबेट वर्ड लिखे हुए मतलब तीन अक्षर किसके लिखे हुए हैं अल्फाबेट के लिखे हुए तो आपको इन तीन अल्फाबेट में ये थ्री अल्फाबेट वर्ड में आपको ये पहचान करना है कि ये पिक्चर क्या बनी हुई है पहले तो आपको देखो ये पिक्चर क्या बनी हुई है ये बनी हुई है बी बी मींस होता है मक्खी हो सकती या तो फिर बी बी मींस होता है बटरफ्लाई दोनों आपको इसके फर्स्ट लेटर देखना है ये बी है ना ये ए बना हुआ है ये बी बना हुआ है ये बी बना हुआ है तो इसको आपको क्या करना है लगा
ऐसे मान लीजिएगा ए क्या हुआ है, ये सबको आता होगा, ये पेन बना हुआ है। अब इस बॉक्स में मैंने तीन अल्फाबेट बना दिए, बी बी आप बी बी आप। इसमें आपको ये करना है, डी फॉर डॉग होता है, ई फॉर एलिफेंट होता है, आपको फाइव, तो आपको आपको फाइव में बोलना है, बस इतना ही करना है आपको। इसी तरह इसमें लिखा है बी डी ए, बी डी ए, बी फॉर बटरफ्लाई के बॉय, बी फॉर डॉग, बी फॉर डॉग, बी फॉर बटरफ्लाई, बी फॉर डॉग, और भी बी फॉर बर्ड, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल भी होता है, कुछ भी होता है। इसके बाद ये लिखा है ए, ए का मतलब होता है एफ, एफ का मतलब होता है गुलाबी, काटने वाली होती है। तो इसमें आप इसमें गोला लगाना है ए में, ठीक है ना। अब ये लिखा है डी, ये तो जानते हो गया क्या होता है, तभी बच्चे बताए ये बना क्या है। लूडो खेलते हो ना आप लोग, लूडो खेलने में आपने देखा होगा इसमें जो नंबर लिखे होते हैं, इसी के माध्यम से आप खेलते हो ना, जो दुनिया रखी होती है। तो सबसे पहले इसमें लिखा डी सी ई, तो ये हो गया डाइस, डी में लगाना है आपको। इसी तरह डी ई एफ, डी फॉर डो, एफ फॉर पी, ई फॉर ईगल, आप ईगल में लगा के बोला, एफ फॉर डी फॉर डो, एफ फॉर फैन, फैन में बोला लगा दो। इसके बाद ए फॉर एलिफेंट, एफ फॉर हर, और सी फॉर कैट, कैट में बोला लगा दो। ये पेज आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आप राउंड लगा दो, ठीक है ना। इसमें सर्किल लिखा है, तो सर्किल का मतलब राउंड एंड थोड़ा सा हो गया। इसके बाद ये हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया। इसमें मैच करना है, इसमें आपको राउंड गोला भी लगाना है, ओके। अब आ गए जैसे पेज में, पेज नंबर 17 में, पेज नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर मतलब पिक्चर को देखो, एंड राइट द फर्स्ट लेटर, एंड राइट द फर्स्ट लेटर, जो पिक्चर बनी हुई है उसका फर्स्ट लेटर राइट मीन्स लिखना, इसको लिखो। फर्स्ट लेटर स्मॉल फॉर, स्मॉल फॉर क्या है, स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा कि बड़ा, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, और कैपिटल मीन्स बड़ा। तो आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, जैसे ये लिखा है एलिफेंट, ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन बना हुआ है, एरोप्लेन क्या चलो एक बना हुआ है, अब ये है, ठीक है ना, ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें अंडरलाइन है, दादाजी बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक मॉडल मतलब पढ़ाई बना दिया, ओके। तो इसमें सब में यही करना है आपको, ए फॉर एरोप्लेन, तो आगे आपको क्या करना है, ए आगे ई भरना है, एम फोर मंकी आगे एम भरना है, एफ फोर सी आगे एफ भरना है, सी फोर कैरेट आगे सी भरना है, और बी फोर बर्ड क्या भरना है, बी। इसमें भरना है ए, इसमें भरना है ई, इसमें भरना है एम, इसमें भरना है एफ, इसमें भरना है सी, और इसमें भरना है बी। ये आपके क्या हो गए, फर्स्ट लेटर। इसमें आपने फर्स्ट लेटर भर दिया, अब इसमें आइएगा, इसमें लिखा है कलर द करेक्ट फर्स्ट लेटर, कलर द करेक्ट फर्स्ट लेटर। ये आपको क्या है, ये तीन पिक्चर बनी हुई है, तीन पिक्चर बनी हुई है ना, और ये पिक्चर क्या है, डबल उसके बनाई गई है, जिसमें आप इसके बीच में कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है कलर द फर्स्ट लेटर, ये सी फोर कैट बनी है, ये सी फोर कैट बनी हुई है। अब इसमें ये देखो, ये थ्री रंग कमेंट वर्ड लिखे हुए ना,
अब आपको ये थ्री अल्फा के क्लेटर में आपको ये पहचानना है कि सी फोर कैट कौन सी है, ये सी फोर कैट है, ये सी फोर कैट है, हो गया। तो इस सी फोर कैट में आपको क्या करना है, कलर फिल करना है, ओके। इसमें कोई भी कलर आप लिख सकते हो, फिल कर सकते हो, वो भी करना है। इसी तरह इसमें लिखा है ये क्या बना हुआ है, इगल, क्या बना हुआ है, इगल। तो ये हो गया सी फोर कैट, ये हो गया बी फोर बॉल, ये हो गया ई फोर इगल। तो इस ई में आपको कलर फिल कर देना है, ओके। अब ये देखो ये क्या हुआ, एफ डी ए, तो ये हो गया एफ फोर फॉक्स, फॉक्स हो गई, ये हो गई फॉक्स। तो इस फॉक्स में आपको कलर करना है, जो फर्स्ट फिल्टर होगा, जो पिक्चर होगी पिक्चर के माध्यम से आपको पहचानना होगा, और जो पिक्चर होगी उसी के माध्यम से आपको उसी अल्फा के क्लेटर में आपको कलर फिल कर देना है, ओके। तो आपके टू पेज वर्क सब्जेक्ट इंग्लिश में आपको मिलेगा, हो सकता है इस वर्क में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। समझाने के साथ साथ आपको जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत लगे या आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो जाए, समझ में नहीं आए, आप तुरंत कॉन्टेक्ट कर लेना बेटा, नो प्रॉब्लम। और इसके साथ साथ आप अपने मम्मी पापा से डिस्कस कर लेना, डिस्कस करने के साथ साथ